अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ेंगे। हमने इम्यूनिटी को दो रिस्पॉन्सेज में डिवाइड किया, एक हमारे साथ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स था, एक हमारे साथ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स था। फिर उसमें से जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें से हमारे साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो भी ऑर्गन्स आते हैं वो हमारे साथ एज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स काम करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक इजीली आते रहें। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे साथ जो ऑर्गन्स आते हैं, सो ये हमारे साथ सबसे पहले तो आप लोगों ने ये समझना होगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे साथ एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस है। और नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस को हम कुछ यू डिफाइन कर रहे थे कि हमारे साथ ये किसी भी पैथोजन के खिलाफ एक्शन परफॉर्म करते थे या किसी भी एंटीजन के खिलाफ ये हमारे साथ एज अ बैरियर शो करते थे, एज अ रेजिस्टेंस ये शो करते थे, ठीक है। और ये किसी भी पैथोजन को रोकने की कोशिश करते थे, ठीक है। So it is non-specific defense, ठीक है, ये हमारे साथ non-specific defense है। Intact skin इसमें आता है, forms mechanical barrier that prevents entry of pathogen and other harmful substances into the body, ठीक है। सबसे पहले जब एक antigen आता है या एक pathogen आता है, so उसका जो resistance उसको पेश होता है वो in the form of intact skin पेश होता है और skin उसके खिलाफ resistance पेश करता है। So सबसे पहले pathogen का या antigen का जो non-specific response मिलता है उसको वो इन द फॉर्म ऑफ स्किन मिलता है। फिर लेट्स सपोज आपके स्किन से एक पैथोजन की एंट्री हो गई और स्किन से वो आगे गई, तो फिर उसके बाद आता है इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म मैकेनिकल बैरियर दैट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है। फिर आपके साथ एज ए मैकेनिकल बैरियर म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं और वो एंट्री पैथोजन इनसाइड द बॉडी को रोकते हैं और उधर ही उसको स्टक अप करके उसकी डाइजेशन कराते हैं, उसको खत्म कराते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन कराते हैं और उनको अंदर बॉडी में जाने से रोकते हैं। फिर आपके साथ म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन आपके साथ जो म्यूकस रिलीज करता है वो ट्रैप्स पैथोजन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो उनको वहां पर ही ट्रैप्ड करा देते हैं और उनको रोक देते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो आपके साथ म्यूकस होता है वो उनको जो सीलिया होते हैं जो म्यूकस होते हैं वो उनको रोक लेते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। फिर नेजल हेयर जो है वो फिल्टर एंड ट्रैप माइक्रोड इन नेजल पैसेज, आपके साथ नेजल पैसेज में जो आपके साथ नेजल हेयर है वो भी आपके साथ एयर को फिल्टर कराती है और पैथोजेंस जो है वो अंदर जाने से रोकती है और एयर को फिल्टर करा के वो साफ एयर को या जो हमारे साथ बिल्कुल ही फेवरेबल जो एयर है उसको अंदर ले जाती है और जो गंदा एयर है जो गंदी चीजें है वो बाहर रोक देती है। जो हेयर है वो भी आपके साथ एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नेजल हेयर भी आपके साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में जो जूस होते हैं वहां पर आपके साथ HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके स्टमक में एक ऐसा पीएच बनाता है जिसमें एक बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन प्रोलिफरेशन नहीं कर सकता। सो कंटेन्स HCl दैट डिस्ट्रॉयज पैथोजेंस इन स्टमक। सो ये आपके साथ एक ऐसा माहौल बनाता है जो कि किसी भी माइक्रोब के प्रोलिफरेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता और वो उसमें अपना प्रोलिफरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो अपनी इंक्यूबेशन पीरियड तक नहीं पहुंच सकता, वो इतनी डिवीजन नहीं कर सकता कि वो आप में इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट कर दें। सो गैस्ट्रिक जूस भी एज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। फिर उसके बाद आपके साथ आती है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपके साथ ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपके टीयर्स और सलाइवा में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं माइक्रोब्स को किल कराने में हेल्प कराती है और ये भी एज नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करते हैं। फिर आपके साथ यूरिन आता है, इसमें यूरिन फ्लशेस आउट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इट्स लोअर पीएच आल्सो इनहिबिट सम माइक्रोबियल ग्रोथ। तो आपके साथ लेट्स सपोज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई पैथोजन एंट्री कराने की हिम्मत करा रही है, सो आपकी पैथोजन उसको फ्लश करा देती है, बाहर निकाल देती है और फिर आपकी यूरिन की जो पीएच होती है वो इस हद तक लो होती है, एसिडिक होती है कि वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ का होना या प्रोलिफरेशन का होना वो इनहिबिट कराती हैं और उनको रोकने की कोशिश करती हैं। ये जो सारे जो आपके साथ चीजें हैं ये आपके साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती हैं और आपके साथ ये प्राइमरी रिस्पांस के थ्रू काम करती हैं और प्राइमरीली ये किसी पैथोजन को रोकने में हेल्प कराती हैं। किसी भी पैथोजन का सबसे पहले सामना इन्हीं चीजों से होता है और ये सबसे पहले एज ए बैरियर
एज अ रेजिस्टेंस आपके साथ ये शो करते हैं किसी भी पैथोजन को, इसीलिए हम इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, क्योंकि ये किसी पैथोजन को स्पेसिफाई नहीं करते बल्कि नॉन स्पेसिफिकली ये किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।